नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हम बताना चाहेंगे इसके बारे में। अभी हम यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सिसई प्रखंड में यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पे मासिक जो गुरु गोष्ठी होती है उसका आयोजन आज 6 अगस्त को किया जा रहा है। इस बैठक में मैं यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय गुमला से PGT केमिस्ट्री श्री डॉक्टर आकाश सैनी यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ गुमला जिले के अंदर एकमात्र आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय जो कि मसरिया डैम घाघरा स्थित है, इस विद्यालय में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए पढ़ाई होती है और यहाँ पे क्लास 5 में पढ़ने वाले जो यहाँ के सिसई ब्लॉक के जो बच्चे हैं, जो भी 5th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रवेश की प्रक्रिया अब यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि हर साल होता है, इस साल यहाँ पे 2025-26 सेशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इस परीक्षा की प्रवेश प्रक्रिया की ऑनलाइन आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है वो 16 सितंबर है। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और ये जो एग्ज़ाम है अगले साल जनवरी 2025 में 18 जनवरी शनिवार को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना इस गुरु गोष्ठी के माध्यम से सभी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके सिसई ब्लॉक के काफ़ी जो ग्रामीण प्रतिभा हैं उन सभी को आगे बढ़ने का एक मौका दें, एक अवसर दें और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और मैं आग्रह करता हूँ, और मैं सिसई ब्लॉक का इंचार्ज भी हूँ, तो लास्ट ईयर भी हमने यहाँ देखा कि सिसई ब्लॉक से काफ़ी बच्चे रजिस्टर करते हैं और ना केवल रजिस्टर करते हैं, काफ़ी बच्चे अपना 100% वहाँ पे अटेंडेंस भी देते हैं एग्ज़ाम में और सिलेक्शन भी यहाँ पे होता है। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि एक शिक्षक होने के नाते जब कोई ग्रामीण प्रतिभा आगे आती है और उसको उभरने का, अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका मिलता है, तो ये एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी गर्व की और कोई बात नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि आज की इस मीटिंग के माध्यम से मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अपनी बात को सभी अधिकारियों के समक्ष रखा और यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं उनकी कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं को भी हम उनसे अवगत हुए और हम उनको आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई समस्याएं नहीं आएंगी और जो भी ग्रामीण प्रतिभा हैं उनको आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा और उनका उज्जवल और सुनहरा भविष्य होगा।